झटपट और मेरी इसी रेसिपी आगे बनाइए, एंजॉय कीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आयनो बख़ैर रगली, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक न्यू रेसिपी स्वीट डिश के साथ हाजिर हुए हैं। ये है खजूर की बर्फी। खजूर को हमने इस तरह चमचे के साथ ही मेल्ट कर लिया है, आप जूसर में भी कर सकते हैं, बट मेरे पास खजूरें नरम वाली थी। ठीक है, मैंने नरम वाली खजूर ली है। ये इससे आसानी से देखे जाए नरम है बिल्कुल, तो हाथ से भी हो सकती हैं, तो मैंने चम्मच के साथ ही कर ली है। वैसे आप जूसर में भी कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा एक चम्मच ऑयल लिया है, फ्लेम को मैं ऑन कर दूंगी, ऑन होगा या नहीं तो मैं माचिस की मदद से करूंगी। माचिस भी खत्म, माचिस ले आऊं घर से। तो ये है, मैंने आधा किलो, तकरीबन आधा किलो खजूरें ली हैं। ये इसमें जो जो अज्जा ऐड होंगे, ये है इसमें है काजू और बादाम, तिल 3-4 अदद, सब्ज़ इलायची, पिस्ताचू और 4 मगज खाश खाश। ठीक है, ये चीज़ें इसमें ऐड होंगी। इसमें मसाला ख़त्म है, ये मुश्किल लगता है जब इसमें सेल ख़त्म हो जाता है। ये इस पे हमने इसको रोल करना है, तो आपके पास जो अगर अनुलियम दूसरा फाइल है, जो भी है फाइल ले सकते हैं। मैं इसमें से एक ये फाइल लूँगी। ठीक है, तो इसमें हम इसे सारे जो नट्स हैं ना वो डाल लेंगे। ये थोड़े से मैंने पिस्ता जूस रखने हैं, ये हम थोड़े से कर लेंगे ब्राउन इसको। इसमें लास्ट में रखी काश भी इसमें डाल लूँ, तो वाइट भी चली गई। पिस्ताचू, तेल, चिकन इलायची। एक तो लाइट का मसला है, हमारा वजीर आजम बैठा हुआ है कुछ हाल नहीं है। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा बस गोल्डन करना है, अच्छा क्रंच आए, हेल्दी है, शुगर फ्री है, ये शुगर वाले भी खा सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसको चलाना है, ये हमारी लाइट चली गई है। हमारी रेसिपी किस तरह बनेगी देखते हैं। ये हमारा हो चुका है, इसको निकाल देंगे एक प्लेट में। अब एक चम्मच ऑयल मैंने लेना है, सॉरी घी। आप बेटर भी ले सकते हैं जो आपके पास है। ये खजूर का पेस्ट इसमें हमें ऐड कर देना है। एक हाथ से तो ये नहीं होगा जो चिपका हुआ है। ये खजूर का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। धीरे धीरे इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको हमने चम्मच के साथ इस तरह मेल्ट करना है, क्योंकि ये नरम हो जाएगा। तो ये खजूर की बर्फी है, शुगर फ्री वालों के लिए भी, शुगर वालों के लिए भी अच्छी है। खजूर वैसे भी खाए जाए तो खून बढ़ाती है, आयरन ही आयरन है इसमें। आप ही बनाइए हमारी रेसिपी हमारे स्टाइल से, हमारे तरीके से, फिर बताइए आपको हमारी रेसिपी किस तरह रखी है।
جلدی کک ہو جاتی ہے، پٹ سے فوراً تیار ہونے والی برفی ہے. دیکھیں ماشاء اللہ ہو گئے. بس ہماری ریڈی ہے، فلیم میں آف کر دوں گی کیونکہ پین ہمارا ویسے بھی گرم ہی ہے، تھوڑا سا اس کو چلانا ہے کیونکہ جو ڈرائی فروٹ ہے وہ بھی ہمارا روسٹ ہو چکے تھے، تو بس وہ بھی روسٹ ہو چکے ہیں. لائٹ بھی ہماری آ گئی ہے، اب اس کو میں نے ادھر کرنا ہے، کھجوریں ہٹا دوں. دیکھیں آپ کی مرضی ہے، اگر آپ وہ لڈو بنانا چاہیں تو لڈو بھی بنا سکتے ہیں. ہاتھ کو تھوڑا سا آئل لگا کے، گھی لگا کے، یہ دیکھیں اس طرح لڈو بھی بنائیں تو زبردست بنتا ہے. بٹ میں یہاں اس کو رول کروں گی، گرم ہے بہت زیادہ. کو ہم دو تین گھنٹے کے لیے فریج میں، فریزر میں رکھ دیں گے، پھر اس کو ہم کٹنگ کریں گے. تب اس کی میں نے فریج میں رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے. جب کٹنگ کروں گی پھر آپ کو بتا دوں گی، ان شاء اللہ ساتھ شیئر کر دوں گی. تو یہ ہماری کھجور کی برفی جو ریڈی ہے، کٹنگ کرنی ہے اس کی. اس کو دو تین گھنٹے میں نے فریزر میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. ان شاء اللہ پھر میں اس کی کٹنگ کرتی ہوں. تو ہمیشہ کی طرح ایک وظیفہ بھی شیئر کرتی چلوں، یا مالک الملک یا ذو الجلال والاکرام، یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 500 بار پڑھنا ہے، ہر جائز مقصد کے لیے، جو بھی جائز مقصد ہو اس کے لیے آپ پڑھیں یا مالک الملک یا ذو الجلال والاکرام. انشاءاللہ ہر دعا ہر مراد قبول ہوگی. 5 وقت کی نماز لازم پڑھے، اس کو میں فریزر میں رکھتی ہوں. کھجور کی برفی ہماری ریڈی ہے بالکل. اب یہ دیکھیں میں فریج میں سے لے آئی ہوں، اس کو سخت ہو چکی ہے، اس کی اب کٹنگ کریں گے.
ماشاءاللہ کیا شیپ آ رہا ہے.